गाइस ये देखो गाइस अभी आ गए हैं साईं बाबा टेंपल। तो गाइस अभी मींस की और मेरी बहस हो गए हैं किस बात पे कि यहां से हम जो रहते हैं मैं भी शूट करता हूं एक सेकंड। ये बंदा देखो कैसे-कैसे फोटो शूट कर रहा है और ये बंदा देखो ये क्या कर रहा है भाई तू क्या कर रहा है। इस बंदे ने मेरे को लेट करवा दिया हर टाइम ये मेरे को लेट करवाता है। गुड मॉर्निंग गाइस कैसे हो आप लोग। आई नो आप सब लोग ठीक ही होंगे। और गाइस आज है 13 अगस्त और अभी इस रावण चल रहा है इसलिए मेरा फेस ऐसा है और अभी बजने वाले है 1:31 और मैंने काफ़ी दिन हो गए मैंने व्लॉग नहीं शूट किया तो आज एक बंदा आया है मीन्स व्लॉगर तो इसके साथ हम कहीं पर जा रहे हैं। काफ़ी दिनों के बाद मैं अभी व्लॉग बना रहा हूँ क्योंकि काफ़ी दिन हो गए मैंने व्लॉग नहीं बनाया अभी काफ़ी दिन हो गए तो जो पुराने थे वो मैंने अपलोड कर दिया तो आज काफ़ी दिनों के बाद व्लॉग बना रहा हूँ तो कहीं पर जा रहे हैं। कहाँ पर जा रहे हैं वो देखने के लिए आपको वीडियो देखना पड़ेगा तो कंटिन्यू रहिए गाइस। अभी हम बाइक में पेट्रोल डलवा रहे हैं और अभी कार से सीधा बाइक पे आ गए हैं तो बाइक पे मतलब कि वलसाड़ जा रहे हैं। अभी हम जा रहे हैं वलसाड़ और बाइक पे और रास्ते का व्यू देखो गाइस ये देखो वलसाड़ में पहुंच गए और वलसाड़ के रास्ते मतलब एकदम खतरनाक। गाइस अभी आ गए हैं साईं बाबा टेंपल। ये बंदा कहां पे ले जाने वाला था और कहां पे लेके आ गया तो साईं बाबा के टेंपल आए हैं पीठल वलसाड़। बस अभी शांति हुई मेरे को यहाँ पे आके और इस बंदे को देखो हालत खराब हो चुकी है मेरी। अच्छा ऐसा क्यों क्यों सर में पेन हो रहा है अभी। अच्छा पेन हो रहा है अभी मिट जाएगा थोड़ी देर में तो। अभी बाइक पे आ गए हैं साईं बाबा का टेंपल तो जाते हैं। फाइनली अभी हम आ गए हैं साईं बाबा के टेंपल तीथल मतलब कि हमने वलसाड़ बाजार में वहाँ पे नाश्ता किया वो वीडियो हमने शूट नहीं किया लेकिन यहाँ पे आ गए हैं साईं बाबा के टेंपल आ गए हैं तो जाते हैं और दर्शन करते हैं। तो ये बजने वाले हैं 3 और अभी हम आए हैं साईं बाबा के टेंपल तो ऐसा कुछ यहाँ का व्यू है। वैसे भी यहाँ पे हम आते ही रहते हैं तो ऐसा कुछ व्यू है। आई थिंक यहाँ का व्लॉग होगा भी लेकिन फिर भी हम यहाँ पर आए हैं तो वीडियो थोड़ा शूट कर लेते हैं और मीन्स भी अभी थोड़ा फ्रेश हो गया तो चाहते हैं साईं बाबा के दर्शन करते हैं और पॉसिबल होगा तो हम आपको वो भी दिखाएंगे पॉसिबल होगा तो चाहते हैं। और अभी हम आ गए हैं साईं बाबा के टेंपल तो ऐसा कुछ है और देख लीजिए बजने वाला है 3:42 और अभी हम यहाँ से साईं बाबा के टेंपल से जा रहे हैं और हमारा एक मतलब कि नेक्स्ट डेस्टिनेशन है जहाँ पर हम काफ़ी टाइम से सोच रहे थे जाने के लिए तो अभी हम यहां से निकल चुके हैं और जाते हैं अपनी अगली डेस्टिनेशन पर तो आप कंटिन्यू रहिए आपको मजा आएगा। तो गाइस अभी मींस की और मेरी बहस हो गए हैं किस बात पे हैं। अच्छा ठीक है कि यहां से हम जो रुको हाँ मैं भी शूट करता हूं एक सेकंड जो मतलब कि हम जो डेस्टिनेशन पे जाने वाले हैं ना वो मतलब के टीथल बीच से कितना दूर है मतलब साईं बाबा के टेम्पल से कितना दूर है उस पार्ट से हमारी बहस हो गया। ये बोल रहा कि 15 किलोमीटर है 10-15 बोल रहा था और मैंने बोला इतना नहीं होगा तो इसके बाद मींस ने क्या किया गूगल पे सर्च किया तो आई थिंक 5 किलोमीटर ही दिखाया तो इसमें मींस का पोपट हो गया तो चलिए जाते हैं अपने डेस्टिनेशन पर। इस रास्ते देखो रास्ते और ये बिल्डिंग अभी बन रही है मालूम नहीं किसके लिए बन रही है। तो अभी हम छोटी छोटी गलियों से लास्ट टाइम भी मैंने ऐसा ही बोला था तो अपने डेस्टिनेशन पर जा रहे हैं।
गाइस फाइनली अभी हम अपनी डेस्टिनेशन लाइट हाउस अभी देखते हैं, ये देखने के लिए आए। अभी हम पहुंच गए हैं लाइट हाउस और आप जो हमको हम आपको दिखाना चाहते हैं ये है, देख लो। अभी चलते हैं, व्लॉग खत्म। समझ रहे हो आप? लेकिन अभी बाकी है, ये वाला है ऊपर, मतलब कि ये तो सिर्फ स्टैचू है छोटा सा, तो जाते हैं। तो गाइस अभी हम फाइनली आ गए हैं लाइट हाउस, तो आपको मैं अभी मजा आएगा ना भिड़ो दिखाता हूँ। ये देखो अभी हम जाएंगे, मालूम नहीं वहाँ पे वीडियो शूट करने देते हैं या नहीं, लेकिन फिर भी हम आ गए। लास्ट टाइम आए थे तो पोपट हो गए थे। तो गाइस फाइनली अभी हम जा रहे हैं लाइट हाउस के ऊपर, तो अभी लिफ्ट पे आ गए हैं और जाते हैं। फाइनली अभी हम जहाँ भी आना चाहते थे वहाँ भी आ गए हैं, और मैं आपको एक चीज दिखाता, आपको भी देख के मजा आ जाएगा। तो चलिए कौसंबा में लगता है, यहाँ पे पास में ही समंदर है, और यहाँ पे ये मतलब के यहाँ पे गांव भी है। अगर नीचे देखोगे तो यार डर लगता है, और व्यू देखिए गाइस एकदम ऑसम लेवल है। मींस कहाँ है भाई, कैसा लगा? बहुत ही बढ़िया प्लेस है, नेक्स्ट लेवल है यहाँ। हाँ, यहाँ पे टिकट भी लगती है ऊपर, मतलब लिफ्ट में आओगे तो 20 रुपया लगता है एक बंदे का, तो आप आ सकते हो, यहाँ पे बहुत ही बढ़िया है। तो गाइस ऑसम लेवल का यहाँ पे नज़ारा है, मैं आपको दिखाता हूँ। और क्या बताऊँ यहाँ पे, मतलब के यहाँ का नज़ारा देखते ही हमारा तो मतलब के मेंस यहाँ पे नज़ारा देख के ही मतलब के हमारा तो अवे हो गया। अरे कहना क्या चाहते हो? तो चलिए, बहुत ही बढ़िया है गाइस, आप यहाँ पे विजिट कर सकते हो, सिर्फ 20 रुपया टिकट है यहाँ पे एक बंदे का। तो आप यहाँ पे आइए, और यहाँ के मतलब के आप अगर लाइफ में स्ट्रेसफुल होंगे या फिर कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो यहाँ पे आओगे तो आपको यहाँ पे मतलब के यहाँ पे नज़ारा देख के ही आपको जो भी टेंशन है वो भूल जाओगे। और यहाँ का व्यू भी गजब लेवल का है यार, यहाँ पे गांव कोसंबा आई थिंक लगता है, तो ऐसा कुछ है, पास में ही समंदर है, इसलिए यहाँ पे हवा भी बहुत ही तेज है, तो काफ़ी बढ़िया, बहुत ही मज़ा आता है। और मींस तो अभी वीडियो शूट कर रहा है, उसके तो बोलना ही अभी बंद हो गया है, वीडियो ही शूट कर रहा है गाइड। तो गाइस अभी हम भी मज़ा लेते हैं यहाँ का हवा का और व्यू का, तो मिलते हैं बाद में। तो गाइस फाइनली हमने रील्स ऐसे शूट की, और मींस को अभी मींस ने बहुत ही रील शूट करवाई है भाई ने, मैंने तो ठीक है, अभी मेरा तो मैंने तो एक दो करवाई है, लेकिन अभी अच्छी ही होगी। तो काफ़ी बढ़िया मज़ा आया, और अभी हम यहाँ से नीचे जाएंगे। नीचे एक गार्डन ऐसा अभी नया ही बनाया है, तो वहाँ का भी हम विजिट करते हैं और आपको दिखाते हैं। चलिए गाइस, हाँ तो गाइस अभी हम फाइनली आ गए हैं लाइट हाउस के नीचे, और इसका मतलब के मैं बता देता हूँ लाइट हाउस का यूज़ क्यों होता है। तो हाँ, तो गाइस अभी सर बताने वाले हैं कि लाइट हाउस का यूज़ क्यों होता है। तो हाँ, तो यहाँ पे मतलब के जहाँ भी लाइट हाउस होता है तो वहाँ पे क्या है ना कि मछुआरे अगर समंदर के अंदर जाते हैं मछली पकड़ने या फिर और काम के लिए, तो रात हो जाती है, तो यहाँ पे किस दिशा में हमें जाना है इसलिए रास्ता नहीं मिलता। हाँ। तो इस लाइट हाउस के मतलब के लाइट हाउस के नहीं लाइट हाउस से पता चल सकता है। हाँ, लाइट हाउस से पता चल सकता है किस दिशा में जाना है। हाँ। तो इसलिए लाइट हाउस यहाँ पे मतलब के बनाया जाता है और रखा जाता है। तो हमें ऐसी मतलब के नई नई जानकारी भी, कोई भी प्लेस पे जाता हो तो नई नई जानकारी भी मिलती है और ब्लॉग भी बन जाता है।
तो ऐसा है लाइट हाउस का यूज, काफी सारे लोग घूमने के लिए तो आते हैं, लेकिन क्या यूज होता है वो किसी को नहीं पता होता है। तो इसलिए आपको भी नया एक जानकारी मिलेगी हमारे ब्लॉग में, तो आप हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए और हम आपको वीडियो नए नए लाते दिखाते रहेंगे। तो चलिए, यहाँ पे गार्डन भी है, वो भी हम आपको दिखाते हैं। गाइस फाइनली अब हम लाइट हाउस से नीचे आ गए हैं और यहाँ पे एक गार्डन भी है, आप देख लीजिए। अभी मतलब कि आई थिंक 5-6 महीने हुए यहाँ पे बनाया गया है, तो बहुत ही बढ़िया है। लाइट हाउस के साथ साथ यहाँ पे गार्डन में भी आप घूमने के लिए आ सकते हो और अपने फैमिली के साथ भी आ सकते हो। बहुत ही बढ़िया है, छोटा सा ये अभी ही मतलब के बनाया है अभी ही। तो यहाँ पे मेरे को भाई मेरे को यहाँ पे एक रील्स बनानी है। ओके, बहुत ही बढ़िया आएगी मेरे को ऐसा लगता है। मेरा जो ऑब्जर्वेशन है ना, इससे मेरे को ऐसा लगता है, बाद में मालूम नहीं। और यहाँ पे आप फैमिली के साथ भी आ सकते हो, सही ना? सही है। क्योंकि यहाँ पे छोटे बच्चों को खेलने के लिए भी, क्या यहाँ पे ऐसा नहीं है, हम भी खेल सकते हैं। और ऐसे कुछ गेम भी है, X0 ऐसा कुछ भी है, और ये भी है, और ऐसा भी कुछ है। और यहाँ पे झूला भी देखो, यहाँ पे एक कौवा भी आया हुआ है, वो भी खेलने के लिए आया होगा। अच्छा, बढ़िया है। गाइस फाइनली अभी हमने, मैं आपको एक बार फिर से गार्डन दिखाता देता हूँ। यहाँ पे देख लीजिए, ऐसा गार्डन है और पास में ही समुंदर है, इसलिए आपको यहाँ का नज़ारा भी बहुत ही बढ़िया लगेगा। ऊपर क्लाउड है, अभी मतलब कि मानसून का मौसम है, इसलिए थोड़ी सी मतलब कि बादल ब्लैक भी आपको दिखाई देगी। साथ में आपको यहाँ पे देख लीजिए, गार्डन भी है, समुंदर की हवा और ऐसा गार्डन, और सामने लाइट हाउस। तो यहाँ का जो व्यू है वो एकदम नेक्स्ट लेवल आपको दिखने को मिलेगा। तो बहुत ही बढ़िया, मज़ा आया। लास्ट टाइम हम जब आए थे यहाँ पे, तो रिनोवेशन हो रहा था, तो उसके बाद मतलब कि आई थिंक 2-3 महीने हो गए उसके बाद आ जाए, तो रिनोवेशन भी कंप्लीट हो गया था। और ऐसा कुछ स्क्रीन मतलब कि व्यू दिखाई दे रहा है, और गार्डन भी ऐसा है, बहुत ही बढ़िया है। तो मैं तो आपको सजेस्ट करूँगा कि अगर आप वलसाड़ के आसपास के मतलब कि आसपास के गांव या शहर में रहते हो, तो आप लाइट हाउस और यहाँ का गार्डन का मज़ा लेने ज़रूर एक बार आइए, आपको बहुत ही बढ़िया मज़ा आएगा। तो ऐसा कुछ है, और वहाँ पे मीन्स बैठ के मालूम नहीं क्या कर रहा है गाइस। अभी मतलब कि हम लाइट हाउस पे ही है, और ये बंदा अभी वीडियो मतलब के शूट किया और अभी एडिटिंग करने लग गया है। तो ऑन द स्पॉट ये अपनी रील्स इंस्टाग्राम पे अपलोड कर रहा है, तो आप इंस्टाग्राम के आईडी में मेंशन कर दूंगा यहाँ पे, तो आई फॉलो कर देना। ओके, हाँ, और देख लेना भाई, मेरा भी देख लेना। हाँ, पहले हम खाएंगे, हम पेट भरेंगे, बाद में दूसरों को खिलाएंगे। ऐसा नहीं है, मीन्स को जाके फॉलो कीजिए, और इसके वीडियो में मतलब कि काफ़ी व्यू आते हैं। तो मैं तो तारीफ करता ही हूँ, ये बंदा नहीं करेगा लेकिन मैं करूँगा। तो चलिए चलता है। ये बंदा देखो कैसे फोटो शूट कर रहा है। और ये बंदा देखो, ये क्या कर रहा है भाई, तू क्या कर रहा है? कुछ भी यार, ये मेरा शूट कर रहा था, मैंने इसका शूट कर लिया। और गाइस यू देखिए, और मालूम नहीं ये 5 बज गए तो अभी क्या कर रहा है। 5 बज चुके हैं अभी, 5 बज चुके हैं, और इस बंदे को अभी पड़ी नहीं है, मेरी ऑफिस भी अभी ओपन ही है भाई। कब जाना है, कब निकलना है यहाँ से, कुछ तो बोलो। अरे देखो इस बंदे को मतलब कि ये लगा हुआ है वीडियो के मतलब वीडियो शूट करने में। तो अभी 5 बज चुके हैं, अभी हम यहाँ से निकलने वाले हैं, क्योंकि अभी मेरे को यहाँ से ऑफिस पे जाना है, ऑफिस क्लोज करके मैं अपने घर जाऊँगा, तो जाते जाते 6 बज जाएंगे।
इस बंदे को मैंने पहले बोला भी था कि मैं बाइक ले लेता हूँ, लेकिन ये बंदा माना नहीं। चलो चलो एक ही बाइक पे जाते हैं, सही ना? क्या क्या निकलते हैं, निकलते हैं। अभी मैंने तेरे को बोला था भाई कि मैं बाइक ले लेता हूँ, फिर भी तूने मेरे को मना कर दिया। बाइक थोड़ी लेने पड़ेगी यार। तो गाइस अभी हम यहाँ से निकल चुके हैं और ये बंदा बोलता है कि तुम सर किस एंगल से लगते हो। यार हम तो फकीर आदमी है, झोला लेके निकल जाएंगे, क्या है हमारा। ये पागल हो गया। बहुत ही ज्यादा कुछ हो चुका है आज हमारा, तो निकलते हैं आज यहाँ से। अभी 5:30 बजे है और अभी हम वलसाड़ में ही घूम रहे हैं, लेकिन जा ही रहे हैं, लेकिन छोटी छोटी गलियां है और अभी 5:30 बजने वाले हैं और ट्रैफिक भी अभी थोड़ा बढ़ गया है, ज़्यादा हो गया है, तो जाते हैं। अभी इस बंदे को कानपुरी खानी है, लेकिन क्या करें, अभी 5:30 बज चुके हैं। हाँ क्या 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 अमन राणा का व्लॉग आ चुका है, नोटिफिकेशन देखो। हाँ टीमली बॉयज बिल्ली मोरा। तो 5:30 बज चुके हैं और अभी हम निकलने, इस बंदे ने मेरे को लेट करवा दिया, तो नहीं ऐसा नहीं चलेगा, तो वेट कर रहे हैं अभी कनपुरी का। देखो देखो इस बंदे को, इस बंदे ने मेरे को लेट करवा दिया, हर टाइम ये मेरे को लेट करवाता है, इसलिए तू मेरे को बुलाता है ना, तो मैं नहीं आता हूँ। गाइस इस बंदे ने, इसकी वजह से मेरे अभी वलसाड़ में 6 बजा रही है, 6 कंप्लीट 6 बजने वाले हैं। तो ये है कनपुरी, मेरे लिए तो कनपुरी है, तो खाते हैं और आपको भी स्वाद का मजा दिखाते हैं। इस कानपुरी के साथ ये बटा का भी फ्री में मिलता है, ये ये आलू जो मीन्स खाएगा। भाई खाएगा ना आलू, कानपुरी के साथ आलू फ्री है। ये देखो कैसा मजा ले रहा है, अभी ये आलू खाने वाला है, इसके बाद कच्चा ये गर्म नहीं होता। अच्छा चलो जल्दी जल्दी खा लो। फाइनली गाइस ये सिपवाड में शॉप है, अगर आप भी आना चाहते हो तो खाने के लिए आ सकते हो, यहाँ पे बेस्ट कंदूरी मिलती है। तो अभी तो हम निकलने वाले हैं। हाँ ये आशीष ट्रेडिंग के सामने ही है, तो आप भी यहाँ पे खाने के लिए आ सकते हो। हाँ तो ये शॉप है। फाइनली अभी हम कलवाड़ा पहुँच गए और क्लाउड देखो, मतलब बारिश का एकदम क्लाउड, एकदम कैसा है भाई, नेक्स्ट लेवल है, बारिश का मौसम है अभी। हाँ तो ठीक है, अभी 6 बज चुके हैं, देख लो मीन्स के 6 बज चुके हैं और अभी मैं ऑफिस पे पहुँचने वाला हूँ। ऑफिस पे अभी ऑफिस पे मतलब के पहुँचते 6:15-20 हो ही जाएंगे, सही ना? वही पक्का 10 मिनट का, कैसे बोल कैसे रहा, देखो देखो हंस के बोल रहा है। तो चले जाते हैं ऑफिस में। तो गाइस फाइनली अभी हम आ गए हैं खैरगाम, फाइनली अभी हम आ गए हैं, 6:18 हो गए हैं और मैं आ गया हूँ खैरगाम और मींस भी अपने घर चला गया है, काफ़ी लेट हो गया, मैंने सोचा था 5 बजे आ जाऊँगा, लेकिन मीन्स के जब मीन के साथ जब भी जाता हूँ तो टाइम का कोई मतलब का फिक्स नहीं होता है, थोड़ा मतलब के लेट हो ही जाता है। तो चलिए ठीक है, ऐसा मतलब व्लॉगिंग के लिए जाते हैं तो ऐसा तो बनता ही है, ऐसा नहीं है कि हम अपने जो टाइम फिक्स किया हुआ है उस टाइम पे ही आ जाए, ऐसा काफ़ी बार होता है कि हम जो सोचते हैं वो मतलब उससे थोड़ा अलग ही होता है, तो हमें मतलब के टाइम के साथ थोड़ा एडजस्ट करना चाहिए। और दूसरी बात, आज का अभी ऑफिस ऑन ही है, शटल पाड़ना बाकी है, तो पहले शटल पाड़ते हैं उसके बाद मैं आपको आपके साथ व्लॉग एंडिंग करूंगा। तो गाइस अभी बजने वाले हैं 6:30 और मैंने ऑफिस अभी मैंने मतलब कि अभी मैंने ऑफिस क्लोज कर दी है और आज का वीडियो यहीं रखे, और
गाइस आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें बताइए, और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। फिर मिलते हैं एक नए ट्रैवलिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव। आपके सामने एक बड़ा सा रेड बटन है, दबा दिया, आगे बोलो।